भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समय वालों की एक बड़ी सभा हो रही थी जिसमें हजारों संत उपस्थित थे और उनके नेता थे प्रकाश नंद सरस्वती। तो ये जो प्रकाश नंद सरस्वती उनके जो शिष्य थे वो बार बार महाप्रभु की निंदा करते थे, कहते थे है तो बड़ा संस्कृत का विद्वान, क्योंकि 8 साल की आयु में संस्कृत शिक्षा ग्रहण करना आरंभ किया था, 10 साल की आयु में तो बड़े प्रसिद्ध बन गए थे पंडित, 12 साल की आयु में उन्होंने अपना पाठशाला खोल दिया था संस्कृत का। क्योंकि वो व्यासा आश्रम में थे तो महाप्रभु जी निमाई पंडित ने पाठशाला खोला था, तो उनकी महिमा भारत के हर कोने में पहुंच गई थी। हालांकि उन दिनों में आज जैसे टेलीकम्युनिकेशन की सुविधा नहीं थी, पर जैसे महाप्रभु जी की इस चेतना महाप्रभु जी की महिमा इस विषय में हर जगह पहुंच गई थी। तो जब वो वाराणसी आए तो ये जो सन्यासी थे कहते अरे वो देखो पागल सन्यासी, इतना बड़ा संस्कृत का विद्वान है, वेदांत सूत्र पढ़ने की जगह है, पागल जैसे फिर संकीर्तन करते हैं सड़कों में। जैसे हम लोग भी जब हरिनाम संकीर्तन में जाते हैं, कई बार हमारे हिंदू लोग विदेशी नहीं कहते हरे क्या कर रहे हो, पूरे देश की बदनामी कर रहे हो, ये कोई कौन से शास्त्र में लिखा ये हरिनाम करने का, कहते हैं कई बार लोग विदेशों में खास करके कहते हैं जब हिंदू लोग हमें मिलते हैं हरिनाम संकीर्तन में, और क्या है। तो ये मायावाली सन्यासी जो थे वो समझ नहीं पाए हरि नाम की महिमा और संकीर्तन की महिमा, तो महाप्रभु जी की निंदा कर रहे थे, कह रहे थे क्या ये आगे सन्यासी क्या कर रहा है। तो तपन मिश्र और एक महाशन ब्राह्मण जो था उनको ये अच्छा नहीं लगा महाप्रभु जी की निंदा सुनते हुए, तो उस ब्राह्मण ने ऐसी योजना की कि महाप्रभु जी इन सन्यासियों को मिल सके। और सन्यासियों की सभा थी जिसमें महाप्रभु जी गए, महाप्रभु जी ने अपने व्यवहार में निम्रता प्रस्तुत किया सदा। चैतन्य चतुर्मृत में कहा गया है कि हमें हमारे आचरण के द्वारा धर्म के नियमों को प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कि हम ऊंचा सिद्धांत बोले और आचरण हमारा रहे नीचे सिद्धांत का। जैसे कि मैंने कल आपको केशव कश्मीरी की कथा सुनाई थी, जबकि केशव कश्मीरी महाप्रभु जी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि महाप्रभु जी ने जो कमजोरियां निकाली उनकी उनकी रचना में उसका उत्तर वो नहीं दे पाए, तो जो निमाई पंडित के जो विद्यार्थी थे वो हंसी उड़ाने लगे, और महाप्रभु जी ने निमाई ने एकदम रोक दिया, कह रहे केशव कश्मीरी आज थका हुआ है इसलिए उन्हें उत्तर कल देना चाहिए। उन्होंने केशव कश्मीरी का सहयोग दे दिया, उन्होंने कहा आज थके हुए हैं, और उनके शिष्यों को हंसने से उन्होंने उनके विद्यार्थियों को हंसने से रोक दिया। तो ये जो सन्यासी थे ये बैठे थे ऊंचे आसन में, और जब निमाई पंडित वहां पहुंचे वो बैठे का जहां की लोग अपने पैर धोते हैं मंदिर में जाने के लिए, जैसे कि हर गुरुद्वारे में मंदिर में पैर धोने के लिए एक स्थान रखा जाता है ना, जहाँ पैर धोते हो फिर अंदर जाते हो, तो निमाई बैठे थे उस स्थान में और बाकी सब बैठे थे बड़े ऊंचे आसन में। तो निमाई समझ गए थे कि जो सन्यासी हैं ये अपराध कर रहे हैं,
आखिर निमाई पंडित तो स्वयं भगवान थे, भगवान की निंदा कर रहे थे, वो अपराध है। तो निमाई ने अपने दिव्य लीला प्रकट की। वो बैठे थे जहाँ के लोग धोते हैं अपने पैरों को, पर अपने शरीर से इतना तेज प्रकाश प्रकट किया, वो प्रकाश जो कि हजारों सूर्यों की रोशनी द्वारा दिखता है। आप एक सूर्य की रोशनी देखते हो, पर उनकी जब हजारों सूर्य की रोशनी की आप कल्पना भी नहीं उस प्रकाश की कर सकते हैं ना। तो निमाई वहां बैठे थे जहाँ के लोग अपने पैर धोते हैं, और ये सन्यासी महात्मा बैठे थे ऊंचे आसन में, और निमाई ने अपने चेहरे से ऐसा प्रकाश प्रस्तुत किया कि सारे सन्यासी उन्हें देखकर उन्हें ऐसे लगा कि ये जो सन्यासी है साधारण पुरुष नहीं, पर कोई भगवान ही है। तो निमाई को निमंत्रण दिया था, आओ हमारे साथ बैठो। दूसरे सन्यासियों ने, निमाई ने कहा मैं आपके साथ बैठने का योग्य नहीं हूँ, मेरे लिए ये स्थान है, आप सब ऊंचे स्थान के हो तो ऊंचे आसन में बैठ सकते हो, और मैं तो बड़ा पतित हूँ तो मेरे लिए वही स्थान है। और फिर जब इन संतों ने ये प्रकाश देखा जो कि प्रकट हो रहा था निमाई के चेहरे से, तो सब सन्यासियों को लगा कि ये जो है साधारण सन्यासी नहीं। उन्होंने पूछा था पहले, तुम वेदांत सूत्र का अध्ययन क्यों नहीं करते? वेदांत सूत्र का तुम अध्ययन नहीं करते? वेदांत सूत्र का तो अध्ययन करना सन्यासी का सबसे पहला कर्तव्य बनता है। तो निमाई ने कहा कि मेरे जो गुरु महाराज थे उन्होंने देखा मेरी योग्यता का और कहा तुम इतने होशियार नहीं हो, तुम इस युग में वेदांत सूत्र पढ़ने की योग्यता नहीं है तुम्हारे। क्या योग्यता है? केवल हरि नाम के उच्चारण के लिए। इतने में प्रकाशानंद सारस्वती की एक प्रसिद्ध सन्यासी समझ गए कि ये निमाई जो है स्वयं भगवान है, और फिर उन्होंने अनेक श्लोकों द्वारा विश्वंभर या निमाई पंडित की महिमा का गुणगान किया। और फिर सारे सन्यासी लगभग 10,000 एक साथ निमाई के शरणागत हो गए और क्या बन गए? वैष्णव बन गए। और फिर सबके सब गए वाराणसी की गलियों में हरि नाम संकीर्तन करते हुए। अब अंदाजा लगा सकते हो कि कितना सुंदर कीर्तन किया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये 3-4 श्लोक जो सुनो महाप्रभु जी की लीला में आप पढ़ते हो कि एक औरत थी जो हमेशा दुखी रहती थी, और उसका नाम था दुखी। तो वो सेवा करती, उसका नाम ही था दुखी। तो सेवा करती थी शिवाज ठाकुर के घर में, पानी वगैरह पहुंचा रही थी। तो वो इतनी श्रद्धा से सेवा कर रही थी कि महाप्रभु जी ने उसका नाम बदल दिया, दुखी से बना दिया सुखी। उन्होंने कहा तुम्हारा नाम था दुखी, तुम दुखी थे हमेशा, तुम इतनी प्रशंसा से सेवा करे, तुम्हारा नाम है सुखी। तो ये बात सच है। हम सब कृष्ण भक्ति में जुड़ने से पहले हम सब का नाम है दुखी दास है, दुखी दास है। दास भी नहीं, मिस्टर दुखी और मिस दुखी। पर सेवा करने के बाद आप सुखी बन जाते हो। जैसे कि निरंतर दास ठाकुर के प्रसिद्ध भजन में वो क्या कहते हैं, हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेम नंद सुखी, हाँ कृष्ण कर अभी बोलो दुखी, हाँ क्या, हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेम नंद सुखी। हाँ क्योंकि नित्यानंद जी, नित्य का मतलब है सनातन,
आनंद का मतलब है आनंद ही आनंद। आप जैसे नंद जी क्योंकि परम भगवान की सेवा में सदा जुड़े रहते हो, आप सदा सुखी रहते हो। और मैं जो हूँ पतित व्यक्ति नरोत्तम दास ठाकुर, मैं हूँ बहुत दुखी। आप कृपा करके मेरे पर कृपा कीजिए कि मैं भी सुखी बन जाऊं। तो अगर आप सुखी बनना चाहते हो तो हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण भक्ति में जुड़ना चाहिए, और कोई माध्यम नहीं है। अगर हम सोचे कि हम सुखी बन सकते हैं किसी भौतिक प्रयास के कारण, तो ये गलत विचार है। तो ये जो औरत थी, इसने शिवा ठाकुर के घर बड़ी प्रेम से पानी पहुँचा कर दे दी थी महाप्रभु जी को। और फिर महाप्रभु ने कहा तुम दुखी नहीं हो, तुम हमेशा उदास रहती हो, तुम्हारा नाम है, उसका नाम ही था दुखी, तुम्हारा आज के नाम है सुखी। उसके बाद वो इतनी खुश हो गई, उसके बाद वो हमेशा खुश रहने लगी। तो हम सब जब सेवा में जुड़ते हैं तो उसके पश्चात क्या बन जाते हैं? सुखी। तो ये श्लोक में कहा जा रहा है कि हरि नाम की महिमा से ही भौतिक संघर्ष से हमें छुटकारा प्राप्त हो सकता है, और हरि नाम के उच्चारण से ही भगवान के चरण कमलों का दर्शन आप प्राप्त कर सकते हो। नाम विनु कली कले नहीं आरा धर्म सर्व मंत्र सरा नाम ए शास्त्र मर्मा। कहा गया है कि कलयुग में, अच्छा प्रधान कलयुग में भगवान नाम के कीर्तन से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है, क्योंकि ये समस्त वैदिक स्तोत्रों का सार है, यही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। ये भी महाप्रभु जी ने कहा, महाप्रभु जी ने कहा कि इस कलयुग में हरि नाम ही सबसे महत्वपूर्ण है, और यही है सारे वैदिक शास्त्रों का निचोड़। प्रभुपाद जी जब मंदिरों में मूर्ति स्थापना करते थे, प्रभुपाद जी मूर्ति स्थापना करते थे अपने भक्तों के द्वारा। कई बार भारत में जो भारत के जो पंडित वगैरह हैं, वो इस विषय की आलोचना करते थे, कहते थे क्या स्वामी जी ने अपने अंग्रेजी भक्तों के द्वारा मूर्ति स्थापना कर दी। तो जब कृष्ण बालराम मंदिर की स्थापना कर रहे थे वृंदावन में, तो प्रभा जी ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए ब्राह्मणों को बुलाया था, ब्रज के ब्राह्मणों को। तो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद प्रभा जी ने कहा कि अब हम लोग हरि नाम संकीर्तन करेंगे, जो असली प्राण प्रतिष्ठा है। वो ब्राह्मणों को बुला दिया था क्योंकि ये रिवाज था वृंदावन में, तो लोग ये नहीं कहेंगे ठीक सामने। तो प्रभा जी ने ये कहा कि असली स्थापना है या हरि नाम के द्वारा। तो हरि नाम जो है वो है असली धर्म, और वैदिक शास्त्र का जो निचोड़ है वो क्या है? वो है हरि नाम। तो आगे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि मेरे गुरु ने, तो आगे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि मेरे गुरु ने हरि नाम की महिमा बताने के बाद ये कहा कि ये हरि नाम का हमेशा अपने जीव में रखो, हमेशा। ये नहीं कि केवल थोड़े समय के लिए जीव में रखो, फिर जीव में कुछ और रखो। उन्होंने कहा कि हमेशा सदा हरि नाम को रखो। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने शिक्षा सके के तीसरे श्लोक में क्या कहा है? सदा हरि के नाम का उच्चारण करना। तो महाप्रभु जी का आदेश क्या है कि हम सदा हरि का नाम का उच्चारण करें। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने माया प्रकाशानंद सारस्वती और उनके शिष्यों को हरि नाम की महिमा का उपदेश देते हुए कहा कि सारे वैदिक साहित्य का निचोड़ क्या है? हरि नाम। और गुरु ने क्या आदेश दिया है कि हरि नाम का हमेशा कहाँ रखो? अपने गले में। और इसके पश्चात उन्होंने एक और प्रसिद्ध श्लोक की रचना की, हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलो न सेवा न सेवा न सेवा गति न। इसका अनुवाद ही पढ़ो। केवल इस कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए हरि नाम हरि नाम हरि नाम के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है, कोई अन्य विकल्प नहीं है, कोई अन्य विकल्प नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने इस प्रकार सारे मायावादी सन्यासियों को क्या किया? वैष्णव बना दिया।
इसी प्रकार महाप्रभु जी ने एक समय बुद्धिस्ट जो बुद्धिस्ट है उनसे मिले। असल में बुद्धा जी जो है भगवान कृष्ण के अवतार हैं, पर आजकल के जो बुद्धिस्ट है उनका से आज की बात छोड़ो, आज के बुद्धिस्ट की तो आज लोग बुद्धिस्ट धर्म को अपनाते हैं नाम के लिए, क्योंकि बुद्धिस्ट धर्म में इतनी छूट है, मांस खाना शराब पीना जो करना करो कुछ भेद नहीं। जो दलाई लामा है जो कि बुद्धिस्ट के गुरु जी है ना, वो तो हर चीज खाते हैं शराब पीते हैं सब। तो जो बुद्धिस्ट हैं एक समय उनके गुरु जी चैतन्य महाप्रभु से डिस्कशन हुआ था, वार्तालाप हुआ था, और महाप्रभु जी ने हरा दिया। जैसे आजकल क्रिकेट मैच होता है एक टीम दूसरी टीम को हराती है, तो प्राचीन समय में फिलोसफिकल डिस्कशन होते थे जिसमें कई बार एक पंडित दूसरे को हरा देता था। तो ये जो बुद्धिस्ट पंडित के गुरु के जो शिष्य थे उन्हें बड़ा अपमान महसूस हुआ, इस निमाई पंडित ने हमारे गुरु जी को हरा दिया डिस्कशन में, इनकी बेइज्जती कर दी जाए। तो उन्होंने एक पीतल की थाली में बासी सड़ा हुआ खाना रखा और वो प्लेट में जा रहे थे महाप्रभु जी को अर्पण करने के लिए, और उन्होंने महाप्रभु से कहा हम आपके लिए महाप्रसाद लाए हैं। तो जैसे वो महाप्रसाद की प्लेट महाप्रभु को पहुंचा रहे थे ऊपर से ईगो एक बाज आई, उस बाज ने वो सड़े खाने को खा लिया और जो पीतल की थाली थी उसे उठाकर गिरा दिया गुरु के सिर में। वो पीतल की थाली जब इतना भारी वजन की होगी गिरी गुरु के सिर में तो गुरु जी बेहोश हो गए। तो गुरु जी जब बेहोश हो गए तो सारे जो शिष्य थे उनके हृदय में पछतावा होने लगा। उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारी बुरी नीयत थी, हम महाप्रभु जी का अपमान करने जा रहे थे, अभी देखो भगवान ने हमें सजा दी। तो फिर हो गए महाप्रभु जी के पास, महाप्रभु जी से कहने लगे कि हमने ये दोषी विचार से हम आए थे और ये इस थाली में सड़ा हुआ खाना था, महाप्रसाद नहीं था, अब हमारे गुरु जी भी होश हो गए हैं हमारे अपराध के कारण, कृपा करके आप उन्हें होश में लाओ, तो क्या करना चाहिए। महाप्रभु जी ने कहा तुम अपने गुरु के कानों में जाकर हरे नाम का उच्चारण करो, और शिष्य ने यही किया, जाकर गुरु के कानों में हरे कृष्णा सुनाया, और जैसे महामंत्र सुनाया गुरु जी होश में आ गए और सारे बुद्धिस्ट हैं ये चमत्कार देखकर बड़े आकर्षित हुए। और फिर सारे बुद्धिस्ट जो थे उस समय महाप्रभु जी के भक्त बन गए। तो महाप्रभु जी की अनेक दिव्य लीलाएं हैं, जैसे कि मैंने कल कहा था महाप्रभु जी ने एक सार्वजनिक कीर्तन किया था फिर जिसके द्वारा 200 आम पैदा हुए थे। महाप्रभु जी ने अद्वैताचार्य को भी अपना विराट रूप दिखाया था, विराट रूप वही विराट रूप दिखाया जो कि कृष्ण भगवान ने दिखाया था किसने, अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में। उस विराट रूप में अद्वैताचार्य ने क्या देखा, सारे देवताओं को बिल्कुल वही विराट रूप उन्होंने भी प्रकट किया था। इसी प्रकार शिवास के घर में एक समय महाप्रभु ने अपना महाप्रकाश रूप प्रस्तुत किया, अपने 5 प्रसिद्ध भक्तों को जिनमें एक थे खोलावेचर श्रीधर। तो खोलावेचर श्रीधर जो थे
बड़े प्रिय भक्त थे, भौतिक दृष्टि से तो ज्यादा धनी नहीं थे। आप कहोगे महाप्रभु जी के तो सारे ही भक्त गरीब थे, तो हम भी गरीब रहेंगे क्या? नहीं, कई धनी भक्त भी थे। खोलो बेटे श्रीदास, उनका धंधा क्या था? खोल वो केले के छिलकों के, तो एक खोल छोटी सी दुकान थी उनकी, और केले बेचते थे फल। बीमारी जो है रोज उनकी दुकान से गुजर कर जाते थे, रोज। हम जब नवदेव धाम का परिक्रम करते हैं तो उस स्थान से गुजर कर जाते हैं जहाँ की खुलवजे सीधा की दुकान थी। तो माई रोज खुलवजे सीधा की दुकान के आगे से जाते थे। खुलवजे सीधा का एक गुण ये था कि वो सदा निरंतर हरि नाम का जाप करते रहते थे, दिन में भी और रात में भी। इतना था कि रात के समय वो हरे कृष्णा करते थे थोड़ी जोर से, तो जो उनके पड़ोसी है ना वो शिकायत करते थे। पड़ोसी कहते थे, तो उनके जो पड़ोसी है वो कहते थे, क्या तुम मुंह सवार हो गए हो, तुम सोते नहीं हो, रात को हमें सोने नहीं देते, तुम खाना क्यों नहीं खाते? और महाप्रभु जी उनकी दुकान में जाते थे और कहते थे, देखो भाई खुला वचन सीधा, तुम तो गरीब हो, दुर्गा की पूजा क्यों नहीं करते, अमीर बन जाओगे। तो खुला वचन सीधा में पूरा विश्वास था कृष्ण भक्ति में, और महाप्रभु जी उनकी दुकान में जाते थे और उनसे सौदा करते थे। पहले पूछते क्या भाव है, तो भाव बताता, नहीं तुम्हारा भाव बहुत महंगा है, सस्ता दाम में दो। खुला वचन सीधा की आमदन जो थी छोटी सी थी, पर वो आमदन का 50% वो खर्चते थे गंगा नदी की उपासना में, और उन्हें बड़ा आनंद आता था जब ये गिराक रोज आते थे, महाप्रभु रोज आते थे गिराक के रूप में उनकी दुकान में। असल में खुदा बच्चे श्रीधर के विषय में कहा गया है, उनको रहते थे एक कमरे में, उस कमरे के ऊपर कोई छत भी नहीं थी, और उनके पास केवल एक ही धोती थी, और उस एक धोती में भी 11 छेद। आपके पास एक धोती से तो शायद ज्यादा है। तो एक समय महाप्रभु जी ने जब निर्णय कर लिया था अपने महाप्रकाश रूप को प्रस्तुत करने के लिए, तो उन्होंने अपने भक्तों को बोला, जाओ खोला बेचर श्रीधर को लेकर आओ। तो घर घर वो जा रहे थे खोला बेचर, उन्हें पता नहीं था खोला बेचर श्रीधर का घर कहाँ है। महाप्रभु जी कहा, तो वो है घर जहाँ की वो सदा निरंतर हरे नाम का जाप। तो जब वो खोला बेचर श्रीधर के घर पहुंचे और उन्होंने कहा कि महाप्रभु आपको निमंत्रण दे रहे हैं आने के लिए, वो तो बहुत खुश हो गए। तो महाप्रभु जी ने जब अपना महाप्रकाश रूप प्रकट किया, तो उन्होंने अपने 5 प्रसिद्ध भक्तों से पूछा, जो वर चाहिए मांगो मेरे से। खुलवजे श्रीधर को कहा, जो ऐश्वर्य चाहिए मांगो मेरे से। खुलवजे श्रीधर ने कहा कि अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो ये वर दीजिए कि हर जन्म में मैं आपके साथ हूँ, और हर जन्म में आप आओ मेरी दुकान में रोज सौदा करने के लिए। ताकि वो भौतिक दृष्टि से तो गरीब थे, कुछ मांग सकते थे बड़ी आसानी के साथ। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे वर देना चाहते तो ऐसा वर दो कि हर जन्म में आप मेरे दुकान में आओ गिराज संकर। चैतन्य महाप्रभु जी का इतना स्नेह था, तो खोलो मुझे सीधा सारी रात हरि नाम करते रहते थे। उनके पड़ोसी जो है वो शिकायत करते थे, तुम्हारे कीर्तन के कारण हमें नींद नहीं आती रात को। और छोटी सी आमदन का बड़े सादे रूप से रहते थे, छोटी सी आमदन का 50% लोग खरीदते थे गंगा नदी की सेवा में।
कल मैंने आपको कहा था कि जब महाप्रभु जी ने अपना कीर्तन आंदोलन आरंभ किया तो मुसलमान प्रतिनिधियों ने शिकायत की चंद काजी से, तो महाप्रभु जी बहुत बड़ा मोर्चा ले गए। उस मोर्चे में 1,00,000 भक्त उपस्थित थे। ये मोर्चा में पहुंचे चंद काजी के घर, चंद काजी दूर पर देख कर छुप गए, उन्हें डर था ये बड़ा मोर्चा आकर। फिर महाप्रभु जी ने सूचना भेजी कि भाई घबराओ मत, हम तो जानते हैं, हमारे उनकी नाना जी खानदानी जान पहचान थी। तो फिर जब चर्चा शुरू हुई, महाप्रभु ने कहा, अरे भाई कैसा धर्म है जिसमें तुम अपनी माता की कदर नहीं करते। 7 माताएं हैं हर व्यक्ति की, 1 माता जिसके गर्भ से आप जन्म लेते हो, गुरु की पत्नी, पृथ्वी, गाय, जामन, तो गाय को भी माता माना जाता है। तो महाप्रभु जी ने कहा, ये कैसा धर्म है जिसमें तुम माता को कत्ल करते हो। तो उस चंद काली ने स्वीकार किया कि हमारे धर्म में कमजोरियां हैं। और चैतन्य महाप्रभु जी ने चंद काजी को मिलने से पहले बहुत बड़ा कीर्तन किया था, कई घंटों का एक साथ। तो इस कीर्तन करने के पश्चात उन्हें प्यास लग रही थी। जब प्यास लग रही थी वो पानी पीने गए। पानी पीने कहाँ गए? खोला बेचे श्रीधर के घर। खोला बेचे श्रीधर के घर में एक ही बर्तन था, एक ही ग्लास। उसी ग्लास जिससे खोला बेचे श्रीधर रोज पानी पीते थे, जिस ग्लास में वो खाना खाते थे, उस ग्लास को लेकर उन्होंने पानी डालकर पानी पीना शुरू कर दिया। जब खोला बेचे श्रीधर ने देखा कि महाप्रभु जी उनके झुके ग्लास में पानी पी रहे हैं, उनका आप क्या कर रहे हो, ग्लास छीनने की कोशिश की उनके हाथों से, तो महाप्रभु ने नहीं, उन्हें कहा ये तो मेरे भक्त का है। तो महाप्रभु जी ने उस ग्लास से पानी पिया। और फिर जब चंद्रका जी के साथ वार्तालाप हुआ तो महाप्रभु जी ने आईना की महिमा जो है उसकी महिमा को स्थापित किया। इसलिए चंद काजी आज ही हमारे भक्त मायापुर जाते हैं, चंद काजी की समाधि में जाकर प्रणाम करते हैं, क्योंकि चंद काजी ने यह आदेश दिया था तो आगे की पीढ़ियों को कि किसी रूप में आप हरि नाम संकीर्तन को में किसी प्रकार की अड़चन नहीं डालना। तो महाप्रभु जी, कल मैंने आपको कब बताया था कि किस प्रकार उन्होंने सर्वों बड़ाचार्य को आकर्षित किया भक्ति के प्रति, प्रकाशी नंद सरस्वती उनके 10,000 शिष्यों को आकर्षित किया, जो बुद्धिस्ट थे निराकारवादी उन्हें भी आकर्षित किया, फिर चैतन्य महाप्रभु जी ने जो कि चंद काजी उनको आकर्षित किया, फिर ये जो सर्वभौम भट्टाचार्य थे वो भी बड़े उच्च कोटि के मायावादी थे, उन्हें भी आकर्षित किया। तो चैतन्य महाप्रभु जी जब यात्रा करते थे, अलग अलग घरों में रहते, भक्तों के घरों में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ दक्षिण भारत की ओर। तो सर्वभद्राचार्य ने कहा, 5 दिन और रुक जाओ दिल भरा में। तो महाप्रभु जी उनके घर में 5 दिन और रुक गए और फिर उन्होंने यात्रा शुरू की। पहले तो महाप्रभु जी अकेले जाने वाले थे, पर फिर नित्यानंद जी और सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, नहीं आप इतनी लंबी यात्रा अकेले नहीं कर सकते। तो उन्होंने साथ में किसे भेजा, एक कृष्णदास नाम के भक्त काला कृष्णदास को भेजा। तो महाप्रभु जी ने दक्षिण भारत की जब यात्रा शुरू की, उस यात्रा शुरू करने से पहले सर्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें सूचना दे दी थी कि जब आप दक्षिण भारत में पहुंचोगे तो वहाँ आपको एक बड़े प्रसिद्ध भक्त मिलेंगे जिनका नाम रहेगा रामनंदन रॉय। जो थे वैसे तो मद्रास के राजपाल थे, पर राजपाल होते हुए भी
भगवान के भक्त है। तो रामानंद रॉय के विषय में कहा जाता है कई बार कि वो विशाखा के अवतार हैं, कई बार कहा जाता है अर्जुन के अवतार थे। राजपाल होते हुए अर्जुन को तुच्छ सेवक मानते थे और उस समय उड़ीसा का राजा था महाराज प्रताप रुद्र और जो मद्रास था वो भी था, उसके राजा भी थे महाराज प्रताप रुद्र। तो जब गोदावरी नदी के किनारे विजयनगर शहर में महाप्रभु जी पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि एक संत राजपाल को पलकी में उठाकर लगभग 100 व्यक्ति पलकी में उन्हें उठा रहे हैं। तो समझ गए कि यही है वो व्यक्ति जिसकी चर्चा सर्वभौम भट्टाचार्य ने की थी। और फिर दोनों गले मिले और बड़ा सुंदर वार्तालाप हुआ गोदावरी नदी के किनारे, जहाँ की महाप्रभु जी ने अनेक प्रश्न पूछे और रामानंद रॉय ने उत्तर दिया। इस विषय पर मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। भगवान ने प्रश्न पूछे और उनके भक्त ने उत्तर दिया। आप कहोगे ये कैसे संभव हो सकता है? अक्सर तो हम प्रश्न पूछते हैं और भगवान उत्तर देते हैं, यहाँ तो उल्टा ही था। भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके भक्त उत्तर दे रहे हैं। तो कारण क्या है? भगवान अपने भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं। जैसे कि जब महाप्रभु जी ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया तो उन्होंने भक्तों का आदेश दिया था घर घर जाकर प्रचार करो। प्रचार के दौरान जगह मजाई के द्वारा नित्यानंद का अपमान हुआ। नित्यानंद का उद्धार किसके माध्यम से हुआ? नित्यानंद जी की कृपा से, है कि नहीं? उनका उद्धार हुआ नित्यानंद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु जी के पास नहीं। तो भगवान अपने भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए उन्हें माध्यम बनाते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने पूरे भारत में हरि नाम का प्रचार किया, तो हरि नाम के प्रचार की विश्व में प्रचार करने की महिमा किसके द्वारा उन्होंने की? शपापा जी के द्वारा। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने अनेक प्रश्न पूछे और रामानंद रॉय ने उत्तर दिया। जैसे कि आप देखते हो जब भीष्म देव जी शरीर त्याग रहे थे तो उस समय भगवान श्री कृष्ण पांडव भाइयों देवता देवियों के साथ उपस्थित थे। तो भगवान ने युधिष्ठिर से कहा तुम पूछो कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। और सबके ऊपर सब उपस्थित थे, भगवान उपस्थित थे और विष्णुदेव ने उपदेश दिया। तो भगवान अपने भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए उनके दास भी बन जाते हैं और उनसे प्रश्न भी पूछते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने अनेक प्रश्न पूछे पर एक प्रश्न ये पूछा था कि कौन सा गीत व्यक्ति को हमेशा गाना चाहिए। तो महाप्रभु रामानंद रॉय ने कहा कि वो गीत जिसके द्वारा राधा कृष्ण की प्रशंसा हो। और राधा कृष्ण की प्रशंसा किस कौन से गीत के द्वारा होती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे दक्षिण महाराष्ट्र की यात्रा के दौरान वो श्री रंगम मंदिर में पहुंचे। श्री रंगम मंदिर में उन्होंने देखा एक अनपढ़ ब्राह्मण गीता को सामने रखा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और उसके चारों तरफ लोग खड़े हैं जो कि हंस रहे हैं। तो महाप्रभु जी गए पर महाप्रभु जी ब्राह्मण को देखकर ये पहचान सके ये जो ब्राह्मण है शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट कर रहा है। तो महाप्रभु जी गए इस ब्राह्मण के पास। महाप्रभु जी ने पूछा कि इसके किए आंसू क्यों बह रहे हैं, तुम्हारे नेत्रों से क्या कारण है? तो इस ब्राह्मण ने कहा
कि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया था रोज भगवद गीता पढ़ने के लिए, पर मैं क्योंकि अनपढ़ हूँ, कई श्लोकों का उच्चारण मैं ठीक करता हूँ और कईयों के उच्चारण में मैं गलती करता हूँ। तो जब मैं गलती करता हूँ तो लोग हंसते हैं, और गांव के लोगों को पता था कि अनपढ़ ब्राह्मण है, तो गांव के लोग सोचते थे अनपढ़ है तो दिखावा कर रहा है कि बड़ा पंडित है, तो इसी चीज पे वो हंस रहे थे। तो महाप्रभु जी ने फिर आगे ये पूछा कि भक्ति भक्ति के लक्षण कैसे प्रकट हो रहे हैं। तो उसने कहा कि जब मैं भगवान की वाणी को पढ़ता हूँ, जब मैं भगवान के उपदेश को पढ़ता हूँ, मुझे इतना आनंद आता है कि मेरे नेत्रों से आंसू बहते हैं, मेरे बाल खड़े हो जाते हैं और मेरे शरीर जो है कांपने लगता है। तो महाप्रभु जी ने उस ब्राह्मण को गले लगाया और कहा, तुम असली गीता के संदेश को समझ गए हो। तो प्रभुपाद जी इन श्लोकों के तात्पर्य में समझाते हैं कि ब्राह्मण जो है उसमें एक ही गुण था, वो गुण यह था कि वो अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा था। गुरु का आदेश था रोज नियमित रूप से 18 अध्याय पढ़ने के लिए, और क्योंकि वो गुरु के आदेश का प्रयास कर का पालन कर रहा था, उसका ये परिणाम हुआ क्या कि स्वयं भगवान ने आकर उसे दर्शन दिया। तो अगर हम भी उसी प्रकार आदेश का पालन करें तो हमारा भी वो सौभाग्य हो सकता है। जैसे कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से अंधा व्यक्ति देख सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है, वो लंगड़ा व्यक्ति नहीं चल नहीं पहाड़ों के पार जा सकता है। चलना तो इतना ऐसा कठिन नहीं, पहाड़ों के पार जाना कठिन है। तो कृष्णदास कविराज जी का कहना है कि चैतन्य महाप्रभु जी कृपा से असंभव कार्य संभव हो जाता है, और संभव कर उनकी कृपा के बिना संभव कार्य भी असंभव हो जाता है। तो कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि हमें चैतन्य महाप्रभु जी के शरणागत होना चाहिए। तो इस गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य हम लोग महाप्रभु जी की महिमा का गुणगान करते हैं, स्मरण करते हैं, पर हमारा असली आदेश होना, असली भाव होना चाहिए क्या कि हमें तन मन धन से चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा के आधार पर ही रहना है। और महाप्रभु जी ने कहा कि चेतना को शुद्ध बनाने के लिए एक हरे नाम का उच्चारण करो, दूसरा श्रीमद् भागवतम भागवत गीता का अध्ययन, इसलिए हम इसको के हर मंदिर में रोज नियमित रूप से भागवतम गीता का अध्ययन करते हैं, तीसरा भक्तों की संगत का लाभ, चौथा भगवान के आचार्य विग्रह की पूजा। Krishna, Hare Krishna.